नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है ओपिनियन। ओपिनियन मतलब हम लोगों का व्यू पॉइंट, और ओपिनियन का एक वॉल्केनो या ज्वालामुखी हम सभी के अंदर होता है जो कि फटने के लिए तैयार रहता है। अब जैसे मैं कुछ सवाल पूछूं, क्या ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है या फिर ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने हाइप क्रिएट कर रखी है? सेकेंड, जैसे कि क्या मिनिमम वेजेस जो होती हैं उनको हमें बढ़ाना चाहिए? इसी तरह के और भी बहुत सवाल। तो क्या इन सारे सवालों के आंसर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो आप तुरंत एकदम किसी न किसी ओपिनियन से इनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, जबकि अपने आप में सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और एटलीस्ट एक एक घंटे का डेलिब्रेट डिस्कशन के बाद हमें इन सवालों के किसी भी रिजल्ट पे या नतीजों पे पहुंचना चाहिए। बट ह्यूमन ब्रेन ऐसा डिज़ाइंड है कि हमको तुरंत ओपिनियन देना होता है, और वो उससे क्या होता है दोस्तों, हम लोग तीन तरह के मिस्टेक्स करते हैं। तीन तरह के मिस्टेक्स में पहली मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि हम उन टॉपिक्स में भी उलझ जाते हैं जिनके बारे में एक्चुअली हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे पिछले दिनों मेरे कुछ फ्रेंड्स स्पोर्ट्स डिस्कस कर रहे थे और स्पोर्ट्स में ड्रग्स का क्या रोल है, इवन आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग और वो डिस्कशन थोड़ा हीटेड हो गया। बाद में मैंने पाया कि अरे ये स्पोर्ट्स तो मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है ही नहीं, फिर मैं इस पे इतनी जोर शोर से क्यों इंटरेस्ट ले रही हूँ। इसी तरह से ये एक पहली मिस्टेक हम लोग बहुत कॉमनली करते हैं, उन टॉपिक्स में उलझ जाते हैं जिनके बारे में एक्चुअली हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरा, हम ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगला स्टॉक मार्केट कब क्रैश होगा या स्टॉक मार्केट क्रैश कब आएगा, या फिर अगले समर्स में वेदर कैसा रहेगा। अगर आप पूछें तो इवन एक्सपर्ट्स भी इनका आंसर देने के लिए बहुत ज़्यादा अडैप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, बट स्टिल हम लोग भी इन पे कुछ ना कुछ आंसर देने की कोशिश करते हैं जो कि एक्चुअली अनआंसरेबल क्वेश्चंस हैं। थर्ड, जो ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि क्या मिनिमम वेजेस जो हैं हमें उसके बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है, कुछ ये डेलिब्रेट डिस्कशंस मांगते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं और इस पे भी हम लोग बहुत हेस्टी डिसीशन देते हैं जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है। और सबसे ज़्यादा यही मिस्टेक हम लोग क्रिएट करते हैं और सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स भी इनफैक्ट यही मिस्टेक होती है कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सवालों का इजी जवाब ढूंढते हैं। और एक अफेक्ट ह्यूरिस्टिक एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में स्टडीज़ की और निकाला कि ये अफेक्ट ह्यूरिस्टिक की वजह से होता है। अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट का मतलब कि हमारा माइंड जो है वो एकदम लाइट की स्पीड से तुरंत किसी ना किसी ओपिनियन को पकड़ने की कोशिश करता है जो बहुत सुपरफिशियल है, जो बहुत वन डायमेंशनल है, जैसे कि मुझे पसंद है या मुझे नहीं पसंद है। तो ये दिमाग तुरंत रिजल्ट पे पहुंचता है और फिर क्या करता है, रैशनल माइंड से बाद में जाके कंसल्ट करता है। और फिर अगर हमने एक साइड ले ली, सपोज़ मैंने कहा मुझे ये पसंद नहीं है, फिर मेरा माइंड क्या करेगा, पीछे जाके अब उस साइड जो हम ले चुके हैं उसके लिए रीजंस खोज के लेके आएगा कि ये पसंद इसलिए नहीं है मुझे या इसका रीज़न ये है। बट होता क्या है, मैंने ऑलरेडी साइड एक पिकअप कर ली है और अब मैं रैशनल माइंड के थॉट्स से या फिर उसकी हेल्प से उस साइड को अब बैकअप करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आम तौर पे हम सभी लोग करते हैं। तो दोस्तों, ओपिनियंस एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे हेस्टी ओपिनियंस बनाते हैं उसके बाद फिर हम लोग बहुत पुअर डिसीशंस भी लेते हैं, मतलब हमारे डिसीशंस बहुत वेल इन्फॉर्म्ड ऐसे नहीं होते। तो क्या करना चाहिए, कुछ डिसीशंस के लिए या फिर मैक्सिमम डिसीशंस के लिए, नॉट डिसीजन इनफैक्ट ओपिनियंस के लिए, मैक्सिमम ओपिनियंस के लिए आप क्या करिए कि एक टू कॉम्प्लिकेटेड बकेट बना दीजिए। एक ऐसा डब्बा, बॉक्स, बकेट, कुछ भी आप कर सकते हैं, ऐसा डब्बा आप मन में क्रिएट कर लीजिए कॉर्नर में कि ये टू कॉम्प्लिकेटेड है। और ऐसे सवाल जिनका आंसर नहीं है या तो, या जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं या जिनके लिए बड़ी मेहनत लगेगी जिसके व्यू पॉइंट पर पहुँचने के लिए, उन सब क्वेश्चन को आप उसमें डब्बे में डाल दीजिए। अभी मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। इनफैक्ट क्या हुआ कि हम लोग एक ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, कुछ फ्रेंड्स से बैठे हुए थे, वहाँ पे एक फ्रेंड ने बहुत जो आजकल चर्चा में रहता है सवाल वो पूछा कि मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है। और जब हमने उसको कहा कि मेरी कोई राय नहीं है तो वो गुस्सा हो गए, इनफैक्ट वो एकदम लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी कोई राय नहीं है।
मतलब ये चीज़ उनके लिए डाइजेस्ट करनी बहुत मुश्किल थी, तो ये सवाल बताया गया कि अभी मैंने उनको बहुत स्टडी नहीं किया, जब उनको ये आंसर दिया कि अभी हमने उनके बारे में बहुत स्टडी नहीं किया है या बहुत हम जानते नहीं हैं, और ये सब व्यू पॉइंट्स हैं जो अलग अलग लोगों के थ्रू आए हैं, तो उनको मतलब पैसिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया एट द एंड ऑफ दैट डिस्कशन. बट इन शॉर्ट, किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन ना होना इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस. इस चीज़ को दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए, इनफैक्ट ये आपके लिए बहुत बड़ा एसेट है. अगर आप किसी चीज़ पे ओपिनियन नहीं बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एसेट है आपके लिए कि आप जो है उस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बिना किसी डेलिब्रेशन के, बिना किसी थिंकिंग के उसके बारे में अपने ओपिनियंस जो हैं वो ब्लर्ट आउट नहीं कर रहे हैं. तो नॉर्मली हमको क्या करना चाहिए, ये जो हमारा ओपिनियन वॉल्केनो है इसके ऊपर एक ढक्कन लगा के रखना चाहिए उन चीज़ों के बारे में, स्पेशली जिनके बारे में हम बहुत जानते नहीं हैं. तो फिर क्या करें, क्या हम ओपिनियन ना रखें? नहीं, बिल्कुल आप ओपिनियन रखिए. आप टॉपिक्स को सेलेक्ट करिए और जिन टॉपिक्स के बारे में आप आपकी रोज़मर्रा की लाइफ से कंसर्न्ड हैं, आपके काम से रिलेटेड हैं, उन टॉपिक्स के बारे में अगर आप अच्छा व्यू पॉइंट या स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट अपना बनाना चाहते हैं तो पहले लिखिए. लिखना दोस्तों क्या करता है, आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर देता है. राइटिंग इज़ वेरी नाइस. आपके डिफ्यूज थॉट्स को वो एक सॉलिड फॉर्म में आप जब लिखेंगे सेंटेंस के फॉर्म में तो वो आपके ओपिनियन से कुछ और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा. इट विल नॉट बी अ डिफ्यूज, इट विल बी सॉलिडिफाइड. फिर आप उस ओपिनियन को देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए आपसे जो डिफरेंटली सोचते हैं उनके ओपिनियंस को सुनिए, उसको फिर ठोक बजा के देखिए अपने ओपिनियन को और उसको चेक करिए कि एक्चुअली क्या ये स्टैंड करता है, क्या ये आप होल्ड अप करता है अपने आप में, या आपने इसको आउट ऑफ थिन एयर कहीं से निकाल लिया है. तो ओपिनियंस जो हैं वो वेल रिसर्च्ड होने चाहिए और दे शुड नॉट बी इंस्टेंटेनियस, तुरंत नहीं होने चाहिए, ये डेलिब्रेट होने चाहिए. और आपको हर टॉपिक पे ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई ओपिनियन हो, इट इज़ नेवर नेसेसरी. इनफैक्ट हमारी जो एज है आज की, इसमें इंफॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं है. लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जी नहीं, ओपिनियन बहुत ज़्यादा है. ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे जर्नलिस्ट हैं या टीवी स्टार हैं या ब्लॉगर हैं या राइटर हैं, आप उनको अलाउ करें कि वो डिक्टेट करें आपके थॉट्स क्या होने चाहिए. सो आप कोई भी जब ओपिनियन बनाते हैं तो आप उसको पहले लिखिए, फिर ऐसे इमेजिन करिए कि आप एक टीवी शो में हैं जहाँ पे 5 लोग और बैठे हैं जिनके बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट हैं आपसे. जब आप उन व्यू पॉइंट्स को भी उतने ही अच्छे से समझ पाएंगे जितना आपका खुद का व्यू पॉइंट है, तब मानिए कि कहीं जाके आपका ओपिनियन जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड करता है. तो दोस्तों कोई भी ओपिनियन लाइटली मत लीजिए, टेक एवरी ओपिनियन वेरी सीरियसली, वॉट एवर ओपिनियन यू होल्ड. एंड यू डोंट हैव टू मेक ओपिनियंस ऑन एवरी सिंगल टॉपिक ऑन दिस अर्थ. थैंक यू सो मच. मुंबई के आसपास के एरियाज में जो भी हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, एक दिन का प्रोग्राम हम कर रहे हैं बदलापुर में, मुंबई के नज़दीक ही है, और रजिस्ट्रेशन चल रहा है. आप सब लोग मेरे साथ एक दिन स्पेंड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और एक पूरे दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें कि लंच और ब्रेकफास्ट वो सब कुछ वहीं प्रोवाइड किया जाएगा. हम लोग का इनफैक्ट एक ज़ेनयोगा सेंटर खुलने जा रहा है वहाँ पर पहली बार, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू बी द पार्ट ऑफ दैट. नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कनेक्ट करके उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए, आज ही रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स. दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो कोर्सेज चला रखे हैं वो अब धीमे धीमे उनकी गिनती बढ़ती जा रही है. अभी तक केवल हमारे पास ज़ेनयोगा बेसिक कोर्स था जो स्पिरिचुअलिटी के लिए था, और वो अभी भी चल रहा है और बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है. हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर गिविंग वेरी गुड फीडबैक्स क्योंकि लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं. तो इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी टू द कोर यू शुड ज्वाइन ज़ेनयोगा बेसिक कोर्स. इसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ समझने के लिए जहाँ पर भी आप फंसते हैं. इसके अलावा हम लोगों ने बिजनेस के लिए WBX कोर्स चलाया है जिसमें आप बिजनेस की एग्जीक्यूशन को सीख सकते हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है. अगर आप अपना 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको करने से पहले अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया तो दिस कैन बी वेरी वेरी पावरफुल थिंग फॉर यू, बिकॉज इसमें हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे काम करती हैं, स्टार्टअप कैसे काम करती हैं, साइकोलॉजी कैसे काम करता है, फेलियर के चांसेस कहाँ कहाँ पर हैं, ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के जो हम इसमें कवर करते हैं. तो ये दूसरा कोर्स है. और तीसरा कोर्स है स्पिरिचुअल मास्टरबेशन का, जिसमें
सेक्सुअलिटी को लेकर के हमने बहुत डिटेल में और डेप्थ में जाकर के आपको समझाया है, सिखाया है कि कैसे आप सेक्सुअलिटी के अंदर से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आप बियॉन्ड जा सकें टुवर्ड्स हायर स्टेजेस ऑफ ब्रह्मचर्य। बिकॉज यूथ की आज इतनी बड़ी विडंबना है, परेशानी है कि सेक्स उसको पकड़ के नीचे घसीटते जा रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज फॉर टीनेजर्स, इवन बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा कोर्स है। बिकॉज आपके बच्चे, आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन बच्चों को कोई हेल्प करने वाला है नहीं, दे आर जस्ट सिंकिंग इन टू द वर्ल्ड ऑफ सेक्सुअलिटी एंड परवर्जन। तो उसमें से अगर बच्चों को आप हेल्प करना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, बिकॉज सेक्स अगर ठीक है तो बच्चा कल को एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी जॉब और हेल्दी फैमिली बना सकता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट। एक और कोर्स है जो सरप्राइज है, हम लोग जल्दी चालू करने वाले हैं, आपको हम बताने वाले हैं, बाद में बताएंगे, एक आध महीने बाद रिलीज हो जाएगा। थैंक यू।